वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बात करेंगे संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फ्रेंड्स, अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाता है तो होते कौन? होते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन होते? सच्चिदानंद सिन्हा या एम एन राव, ये कह रहे हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए सभी मूल अधिकारों को ऑप्शन ए निलंबित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपना क्वेश्चन बताइए फ्रेंड्स आंसर। इसमें जो सही होगा वो होगा आपका सी, यानी कि जो हमारे संविधान के मूल अधिकार हैं उनको किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन आपका सी इसमें सुइटेबल होगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो फ्रेंड्स, योजना आयोग जो है वो गैर संवैधानिक निकाय है और जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 1950 में। और फ्रेंड्स, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। और इसमें जो उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जो प्रेजेंट में टाइम में जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो फ्रेंड्स राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। इन्होंने अरविंद पनगड़िया के स्थान पर यह उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। इससे पहले अरविंद पनगड़िया थे और जो प्रेजेंट टाइम में वो कौन है? राजीव कुमार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं कितने? अनुच्छेद हैं 395 अनुच्छेद। कितने? 395 अनुच्छेद। भारतीय मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग चार में वर्णित हैं। किस में? भाग चार में वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950, जो कि फ्रेंड्स आजकल राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित कर दिया गया था। यानी 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो पहला इसमें ऑप्शन दिया है 36वां संविधान संशोधन 1975। दूसरा दिया गया 44वां 1978। सी ऑप्शन दिया गया है 76वां संविधान संशोधन 1994। और डी दिया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976। जी हाँ दोस्तों, इसमें सही होगा आपका डी, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी दिन फ्रेंड्स भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक जैसे शब्द संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए, जो कि 1976 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? तो जो गैर संवैधानिक संस्था है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता चुका था, योजना आयोग है जो आपकी गैर संवैधानिक संस्था है, जो कि प्रेसिडेंट वो प्रधानमंत्री द्वारा यानी कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा बनाई जाती है। और इसका जो अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं और इसके उपाध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो फिलहाल में कौन है इसके उपाध्यक्ष? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से गलत सुमेलित है? तो इसमें फ्रेंड्स आपका न्यायिक पुनरीक्षण, ब्रिटिश परंपरा, संवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, आयरलैंड का संविधान, मौलिक अधिकार, अमेरिकी संविधान। तो इसमें जो आपका गलत है वो है न्यायिक पुनरीक्षण। यानी कि फ्रेंड्स आपका जो संवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये आपका बिल्कुल सही है। जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आपका लीगली सही है। वो आपका जो सी है मौलिक अधिकार वो अमेरिकी संविधान से लिए गए, ये भी आपका लीगली सही है। जो फ्रेंड्स न्यायिक पुनरीक्षण है वो ब्रिटिश परंपरा, ये आपका सरासर गलत है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा लक्षण अपने स्रोत से गलत सुमेलित है? तो जो गलत सुमेलित हुआ वो कौन सा हुआ? ए,
यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण है वो कहाँ से है, ब्रिटिश परंपरा से नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, संविधान बना तब कितनी अनुसूचियाँ थी। फ्रेंड्स, जब संविधान बन चुका था तब उसी समय इसमें 8 अनुसूचियाँ थी, और जो अभी प्रारंभ में इसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत में मौलिक अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं, तो जो मौलिक अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं, तो वो सुनिश्चित किए गए हैं समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार। तो फ्रेंड्स, आपका मौलिक अधिकार किस माध्यम सुनिश्चित किया गया है, तो वो किया गया आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या समानता का अधिकार। फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार है वो आपका, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर क्या है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संविधान में 42वां संशोधन हुआ था फ्रेंड्स, उसके द्वारा ऐसे मौलिक अधिकार की सूची हटाकर क्या कर दिया था, कानूनी अधिकार बना दिया था, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो सुनिश्चित किए गए हैं फ्रेंड्स, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। कौन सा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। किन्हें? मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा गया। अगले क्वेश्चन पर रुक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं जो लागू होते समय 10 थे। तो वो हैं फ्रेंड्स आपके 11। क्या हैं? 11। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे जो लागू हुआ था फ्रेंड्स, तब ये 10 थे, और जो प्रेजेंट टाइम में ये कितने हैं, 11। यानी कि प्रेजेंट टाइम में हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं, और जब लागू हुआ था तब कितने थे, 10 थे। तो इसमें पूछा गया भारतीय संविधान में अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं जो लागू होते समय 10 थे। तो हमें ऑप्शन लगाना है ऑप्शन सी, यानी कि 11। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 4 में वर्णित है। किस में? भाग 4 में वर्णित है, यानी कि ऑप्शन बी, भाग 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स संविधान लागू होने के कारण। क्या? संविधान लागू होने के कारण। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था, तो फ्रेंड्स संविधान लागू होने के कारण यह मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ये हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है। तो वो हो सकती है फ्रेंड्स 65 वर्ष, ऑप्शन ए, बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 75 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, वो जब तक अपने पद पर रह सकता है, यानी कि मृत्यु होने तक अपने पद पर रह सकता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो मृत्यु होने तक अपने पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में करवाना होता है। तो वो होता है फ्रेंड्स आपका 6 माह के अंतर्गत उसका चुनाव कराना होता है, क्योंकि जो राष्ट्रपति पद खाली हो जाता है, राष्ट्रपति का पद खाली होते समय फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति का पद संभालता है वो संभालता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पर पद संभालता है, और उपराष्ट्रपति भी ना होने की उपस्थिति में जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, कौन होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति का पद संभालता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसमें हो जाएगा 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होता है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो वो है फ्रेंड्स हमारा राष्ट्रपति, हमारे देश का क्या है, प्रथम नागरिक। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो वो करते हैं फ्रेंड्स निर्वाचित सांसद व विधायक, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो निर्वाचित सांसदों और विधायकों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? तो वो है फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका, राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति के पास भेजता है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को पद की शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है। इसमें पूछा गया है कौन सा तथ्य गलत है, तो राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति के पास भेजता है, ये आपका इसमें राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। फ्रेंड्स इसमें जो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी, क्योंकि राष्ट्रपति के पद की शपथ उपराष्ट्रपति नहीं दिलाता, उन्हें कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको उनके पद से हटा सकते हैं भारत की संसद द्वारा, यानी कि भारत की संसद भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है? भारत का महान्यायवादी, इसे भी फ्रेंड्स राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है। राज्यों के राज्यपाल फ्रेंड्स राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, उन्हें हटा भी सकता है। और फ्रेंड्स उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को फ्रेंड्स राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। उसे कौन हटा सकता है, उसे संसद द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे, संसद द्वारा उसे हटाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो वो होता है फ्रेंड्स एक माह के भीतर, यानी कि एक माह के भीतर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा कर दी है उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो जो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है वो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। और फ्रेंड जो उसकी अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, बुलाता है राष्ट्रपति है फ्रेंड्स और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हुई फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फ्रेंड्स।